Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. दहिसर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप की लूट और शूटिंग की घटना घटी है, जिसमें दुकान के मालिक की मौत हो गई है। ये घटना दहिसर पूर्व में रावलपाड़ा क्षेत्र के गावड़े नगर स्थित ओम साईराज ज्वेलर्स में आज करीब 11:45 बजे घटी है। पुलिस के अनुसार तीन अगे हथियारबंद लोग एक्टिवा टू व्हीलर पर आए और बंदूक दिखाकर दुकान को लूटने लगे। जब दुकान मालिक 46 वर्षीय विकास पांडे ने विरोध करने की कोशिश की तो उनके सर में गोली मार दी गई। उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। चोरों ने दुकान से ज्वेलरी दो हैवी ट्रेवल बैग में भरकर तीनों अपने स्कूटी में भाग निकले, जो सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है। ये तीनों मास्क पहन रखे थे। गाड़ी का नंबर प्लेट फोल्ड किया गया था। घटना के बाद पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी है। इलाके में नाकाबंदी भी ऑर्डर की गई है और सीसीटीवी कैमरे स्टडी किए जा रहे हैं। दहिसर से पंकज बीरवंशी की रिपोर्ट, आवाज टुडे। सब्सक्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नेशनल एंड इंटरनेशनल बजिंग न्यूज़।